हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। फाइन, कल हम बात कर रहे थे ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स के डिफरेंस की। एंड देन हमने पढ़ा था ऑर्बिटल का डायग्राम। बेसिकली ऑर्बिटल क्या है? एक ऐसा थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। क्लियर? तो आज हम बेसिकली उसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। एक्चुअली में क्वांटम नंबर्स है क्या? क्वांटम नंबर्स एक ऐसा चार नंबर्स का सेट है जो बेसिकली एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। ठीक है ना? लेट्स मूव टू क्वांटम नंबर्स। फाइन, मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है यार ये क्वांटम नंबर्स। फाइन, the reason for that was that is my first topic to be delivered in resonance. So ये मेरा बहुत favorite topic है quantum numbers. Clear? So चार digit का, चार mathematical numbers का basically एक ऐसा address है जो electron को atom के अंदर define करता है। जैसे बड़ा simple सा मुद्दा है, ठीक है ना? What is my address? ठीक है ना? Suppose my address is house number 316. ऐसा मान लेते हैं हाउस नंबर 316, हाउस नंबर 316 बरनाला पंजाब इंडिया। फाइन, मैं पहले पांच में कर रहा था, अभी चार में लिख लेते हैं। तो चार यहां पे ऐसे शब्द लिखे हुए हैं, हाउस नंबर 316 बरनाला पंजाब इंडिया। यानी कि सबसे पहले आप क्या सर्च करोगे अगर आप मेरे को ढूंढना चाहते हो पूरे ग्लोब में? ग्लोब में तो मैं मिलूंगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर भी अगर आप मेरे को ढूंढना चाहते हो तो कैसे ढूंढोगे? सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? क्या आप हाउस नंबर 316 ढूंढोगे? हैं, पता चले साउथ कोरिया के हाउस नंबर 316 में चले गए, क्या करोगे? सबसे पहले इंडिया। क्लियर? उसके बाद इंडिया के अंदर हाउस नंबर 316, मुंबई के हाउस नंबर 316 में थोड़ी जाना है, क्या करना है? पंजाब, इन पंजाब के अंदर बरनाला, बरनाला के अंदर हाउस नंबर 316। क्लियर? क्योंकि वो तो फिर यूनिक होगा। तो ये बेसिकली चार ऐसे शब्द हैं जहां से आप मेरे को लोकेट कर सकते हो पूरी दुनिया के अंदर, इजंट इट? फाइन, सपोज हम हर किसी का मैथमेटिकल नंबर बना लेते हैं। 316 तो 316 है, ठीक है ना? एंड बरनाला, सपोज कि भाई पंजाब के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो बरनाला का नंबर है सपोज 17। फाइन, इंडिया के अंदर टोटल 29 स्टेट्स है, सपोज पंजाब का नंबर है 12। एंड दुनिया के अंदर इतनी कंट्रीज हैं, एंड सपोज इंडिया का नंबर है 1, भारत नंबर 1 है डेफिनेटली, ठीक है ना? सपोज वैसे यहां पे ये नंबर 1 आ गया है, तो अल्टीमेटली अब रेदर देन द इंग्लिश अल्फाबेट्स यू हैव अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मी। दुनिया में ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मेरी है, इजंट इट? मतलब मेरे घर वालों की भी है, और उनका कुछ और फंडा होगा ना यार। बड़ा सिंपल सा फंडा है, दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन। अगर इस घर में रह रहा हूं मैं अकेला, ठीक है ना? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जहां रह रहा है वो अकेला ही रह रहा है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का एड्रेस है। व्हाट? क्वांटम नंबर्स। फाइन, सो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है? सेट ऑफ फोर नंबर्स बेसिकली डिफाइन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिफाइन या लोकेट करते हैं, ठीक है ना? लोकेट शब्द ज्यादा अच्छा है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए हम चार ऐसे नंबर लिखते हैं, चार नंबरों का सेट लिखते हैं। उन चार नंबरों के सेट को क्या बोला जाता है? क्वांटम नंबर्स। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि चार चीजें लिखी हुई होंगी, वहां से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, एंड हर एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। बिकॉज हर एक प्राणी का, ठीक है ना, आप यार आप में से किसी भी प्राणी को ले लेते हैं, उसका अगर हम ये एड्रेस बनाएंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा? अलग। बिकॉज सिंपल सी बात है, तुम्हारा घर नंबर मेरे से अलग है, किसी और बंदे का शहर मेरे से अलग है, किसी और बंदे का डिस्ट्रिक्ट मेरे से अलग है, किसी और बंदे का
स्टेट मुझसे अलग है, किसी और बंदे का शहर या देश मुझसे अलग है, तो अल्टीमेटली क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल थिंग, इज ये हर बंदे का यूनिक नंबर है। सिमिलरली क्वांटम नंबर का सेट भी हर इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा, यूनिक आएगा। क्लियर? सो हमारे पास बेसिकली चार नंबर्स, इसका मतलब चार ही हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर्स, बिकॉज हर क्वांटम नंबर का एक वैल्यू आएगा, मैथमेटिकल वैल्यू। क्लियर? सो हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। देन हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। फाइन, मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, वैसे आपके ज्यादा अच्छा है अगर हम यही लिख लें। दिस इज प्रपोज्ड बाय बोहर, दिस इज प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। क्लियर? मैं थ्योरी पार्ट यही खत्म कर रहा हूं, बिकॉज वंस अब अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन देखने का, ये जो चार क्वांटम नंबर देखने का प्रोसेस शुरू कर लिया, तो इसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्लियर? तो ये मैं तब साइंटिस्टों के नामों में नहीं पढ़ूंगा, इजंट इट फाइन। एक बार हम इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस ढूंढने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो फिर वही पढ़ेंगे कि क्या चीज होती है। नेक्स्ट, एज्यूमिथुअल क्वांटम नंबर के बाद तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक, मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज एम, प्रपोज्ड बाय लिंड। तो बोहर, सोमरफील्ड एंड लिंड, ये हमारे पास तीन साइंटिस्ट आ चुके हैं। देन लास्ट क्वांटम नंबर इज बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। That is S and given by Goldsmith. Given by या proposed by clear? कोई दिक्कत? एक और भी बंदा था इसके साथ, ठीक है ना, एक और भी बंदा था इसके साथ, Uhlenbeck। तो दिस इज, वैसे यार इतना ज्यादा सोचने का फंडा नहीं है, नामों में क्या पढ़ा है, ये चीजें याद रखने वाली हैं मेरे को। दैट इज वी हैव सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज्यूमिथुअल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों नंबर्स का एक वैल्यू होगा, उन सारी वैल्यूज का जो सेट होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। क्लियर? कोई दिक्कत? मूव करें आगे, इसको अब निकालना शुरू करते हैं। फाइन, सो मूविंग विद द वेरी फर्स्ट वन, लेट्स हैव इट। सो सारे के सारे क्वांटम नंबर एक ही पेज पे बनाना चाहता हूं, इस बात के लिए जगह थोड़ी बना लेते हैं। एंड साइंटिस्ट के नाम डन हो चुके हैं, हम सीधा पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो भी छोटी मोटी चीजें उसके साथ और रिलेटेड पढ़ने वाले फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल एंड पे हम करेंगे समराइज, बट अब हम पढ़ेंगे मेन मुद्दा। एंड आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं कि आज के लेक्चर में या अभी के इस टॉपिक में मैं इस बात को प्रूव करने वाला हूं कि वो जो हम 2n² फॉर्मूला बनाते हैं ना, कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर 8 होते हैं, तीसरे के अंदर 18 होते हैं, ऐसा ही क्यों होता है, ये मैं अभी प्रूव कर दूंगा बस कुछ मिनटों में। क्लियर? लेट्स हैव इट। द वेरी फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एन। फाइन, सो बेसिकली यार ये रिप्रेजेंट करता है शेल को या ऑर्बिट को ही की बात, ठीक है ना।
यानी कि n बेसिकली क्या है, शेल नंबर। अरे वही n जिसमें हम पहले भी करते थे ना, क्या n इज इक्वल टू वन मतलब k शेल, n इज इक्वल टू मतलब l m n एंड सो ऑन। अल्टीमेटली ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फाइन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है शेल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो सबसे पहले मैं जाऊंगा शेल पे, ये वाला शेल है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? देन तो एक और बात मैं बता दूं यहां आपके इंटरेस्ट के लिए, ये एन वही है विच इज यूज इन रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूलास, ठीक है ना, या एमवीआर, मतलब बेसिकली सारे के सारे फॉर्मूला में जिसमें भी एन यूज हुआ है ये अल्टीमेटली वही एन है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? रेडियस के, एनर्जी के, वेलोसिटी के, टाइम के, फ्रीक्वेंसी के, या एक और फॉर्मूला था एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, इसमें भी एन, इसमें भी सब में एन था अगर आपको याद हो। आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर ओवर जेड, ई इज इक्वल टू -13.6 एड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10^6 जेड अपॉन एन, हर एक में एन था। ये जो एन है ना ये वही एन है, दैट इज शेल नंबर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? सबसे पहले हम शेल पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड में मूव करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से। फाइन, सेकंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एल। क्लियर? तो इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, या फिर स्केंडरी क्वांटम नंबर, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है ना। मैं इसको अपने तरीके से बोलता हूँ, ये अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये वाइस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फाइन, मतलब दूसरे नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट, देन ये स्केंडरी। फाइन, दूसरे से आया स्केंडरी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक फैक्ट समझेंगे, L इज इक्वल टू होता है 0 से n माइनस 1, एंड L रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है, L रिप्रेजेंट्स सबसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। L रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सबशेल। N रिप्रेजेंट क्या कर रहा था, शेल। ये रिप्रेजेंट कर रहा था शेल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सब शेल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कंट्री के अंदर होती हैं स्टेट्स, शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स। कंट्री के अंदर है स्टेट्स, शेल्स के अंदर क्या है, सब शेल्स। शेल्स का आगे कैटेगराइजेशन हो रखा है, कैसे, सब शेल्स के अंदर। जैसे स्टेट का कैटेगरी, कंट्री का कैटेगराइजेशन हो रखा है स्टेट्स के अंदर। कोई दिक्कत? क्लियर? नाउ अब मुद्दे की बात है कि भैया हमें शेल का तो पता था कि के एल एम एन होता है, सब शेल कौन से होते हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। अगर एल इज इक्वल टू वन जीरो आया, इसका मतलब होता है एस सब शेल। एल इज इक्वल टू वन आया, इसका मतलब होता है पी सब शेल, इसका मतलब होता है डी सब शेल, एंड इसका मतलब होता है एफ सब शेल। क्लियर? सो बेसिकली तो यार ये अभी तक हमारा चार से ही काम चल जाता है, जितने ही हमारे पास एलिमेंट हैं उसमें चार सब शेल से ही हमारा काम चल रहा है, बट आगे अगर फर्दर डिस्कवर होंगे तो डेफिनेटली हम लिख लेंगे। क्लियर? ऐसा माना जाता है कि अगर फर्दर डिस्कवर हुआ तो उसे जी बोला जाएगा, ठीक है ना, पर अभी फिलहाल इनकी जरूरत नहीं है, बिकॉज चार तक ही हमारा काम थम गया है, हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि हम उन्हें रखें। क्लियर?
इट्स लाइक समझ रहे हो कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं, पर अगर तेलंगाना ने रोला डाला ना तो उसको 30th स्टेट अनाउंस कर दिया जाएगा, एंड कर ही दिया गया है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि भाई अगर और ये थोड़ा सा विथड्रॉ करेंगे तो नया सबशेल बनाएंगे, वरना 4 से तो हमारा काम बड़ा कूल तरीके से अभी तक तो चल रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत? तो अब आगे बढ़ते हैं। सो एल इज बेसिकली सबशेल, एन शेल है, एल क्या है सबशेल है, हर शेल के अंदर क्या है सबशेल है। हम थोड़ा सा निकाल के देख लें कि फर्स्ट शेल के अंदर, फर्स्ट शेल के अंदर कौन कौन से सबशेल। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, फर्स्ट शेल के अंदर कौन कौन से सबशेल हैं, ठीक है ना। देखो फर्स्ट शेल का एन क्या होता है, वन। फर्स्ट शेल का एन क्या होता है, वन। तो एल क्या है, 0 to n-1, ये फॉर्मूला पुट करेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू 0 to n का वैल्यू 1 है, 1 - 1 क्या आ गया 0, 0 से लेके 0 तक वैल्यू पुट करो। देखो 0 to n-1, n का वैल्यू 1 है, 1 - 1 है 0, 0 से लेके 0 तक जाना है, अरे 0 से लेके 0 क्या आएगा, 0 है। एंड l का वैल्यू 0 आने का मतलब कोई सबसे आया, अरे यार क्या करो, नहीं आया, आ तो गया यार। l इज इक्वल टू 0 का मतलब है कौन सा सबसे आ गया, s सबसे आ गया। चलिए और आगे बढ़ के देखिए, आप सेकंड के लिए निकाल के देखिए, इसका मतलब पता क्या होता है, पहले शेल में सिर्फ एस सी सब शेल है, उसमें पी डी और एफ तो है ही नहीं है। चलो सेकंड के लिए करके देखते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। एन इजिकल टू 2 आया, आया कि नहीं आया। एल कितना आया, 0 से n-1, ये कितना आ गया, एन की वैल्यू भरो जरा 2, तो 0 से लेके क्या आ गया, 1। 0 से लेके 1 मतलब 0,1। अब इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब है S एंड 1 का मतलब क्या है P। इसका मतलब सेकेंड शेल के अंदर एक तो S सब शेल होता है एंड एक पी सब शेल होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? क्लियर। सिमिलरली आप थर्ड के लिए निकालो जरा, आई हैव लेस स्पेस और मैं यहां करा सकता हूं, थर्ड के लिए निकालो जरा, लिख तो लिया ना ये, एन इजिकल टू 3 आ जाएगा, यहां 3 से 1, 0 से लेके 3 - 1, 0 से लेके 3 - 1 मतलब 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 मतलब 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, यानी कि ये तीनों आ गए, यानी कि थर्ड शेल के अंदर एस भी होता है, पी भी होता है एंड डी भी होता है, पर एफ तो अभी भी नहीं होता। क्लियर, कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या निकाला है, अभी तक तो सिर्फ हम कंट्री के अंदर स्टेट्स निकाल रहे हैं कि कितनी कितनी है। इस कंट्री के अंदर, फर्स्ट कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही स्टेट आई एस नाम की, सेकेंड कंट्री के अंदर 2 स्टेट्स आ गई, एक एस नाम की एक पी नाम की, तीसरी कंट्री के अंदर 3 स्टेट्स आ गई, क्योंकि 0 से 2 इस 0 से 2 का मतलब क्या है 0, 1, 2, एंड 0, 1, 2 का मतलब क्या है, एस भी आ गया, पी भी आ गया, डी भी आ गया, फाइन। तो तीसरी कंट्री के अंदर 3 स्टेट्स आ गई ऐसे, चौथी कंट्री के अंदर 4 आ जाएंगी, पांचवी के अंदर 5 आ जाएंगी, इस तरीके से चलना है, कोई दिक्कत? अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा स्टेट भी जा रहा है, अरे फिर पांचवी कंट्री भी देखेंगे कि आती है कि नहीं आती, कैसे निकलेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? डन हो गया ये पार्ट। नाउ मूव करते हैं शहरों की तरफ, बिकॉज पंजाब तक तो पहुंच गए, पर मेरे घर पे आना बाकी है। क्लियर, सो लेट्स मूव टू द मेरा शहर, यानी कि थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आई नीड टू इरेज दिस, ये क्लियर है, कंट्री तो निकाल लो यार, ये सबसे सौखा काम है, सबसे आसान काम यही है, इजंट इट। शेल तो यार एन इज शेल, ठीक है ना, हो जाएगा ये तो। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
दैट इज एम। फाइन, अब दिस रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। ये शब्द समझने वाली बात है भाई, क्या है ऑर्बिटल? पढ़ा था ना, बिल्कुल अलग चीज है। एंड पता है क्या, इसका नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों रखा? बिकॉज मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के अंदर अराउंड एक एरिया होता है जहां उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, ठीक है ना? फाइन, जहां आपने एक आयरन रखा तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा, हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, है ना? जहां जहां उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। तो ऑर्बिटल भी क्या है, एक ऐसा थ्री डायमेंशनल स्पेस जहां जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं। एंड मैग्नेट क्या होता है, फाइन, एक एरिया क्रिएट कर लेता है जहां जहां उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो वहां से हमने ये क्या बनाया हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि एम, दैट रिप्रेजेंट्स ऑर्बिटल। क्लियर? अब सबसे ध्यान रखने वाली चीज, जैसे यहां पे जो फॉर्मूला था, यहां पे सबसे ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एम इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल। एम इज इक्वल टू माइनस एल से लेके प्लस एल तक। यहां आपको एक चीज का आंसर मिलेगा, वो जो अपन ने कल बात करी थी ना, एस एक होता है, पी तीन होते हैं, डी पांच होते हैं और एफ सात होते हैं। अभी एक सेकेंड में सॉल्व कर देते हैं, लेट्स हैव इट। एस सबशेल के लिए, एल क्या है, जीरो। एस सबशेल के लिए देखो ध्यान से उधर, एस सबशेल के लिए एल क्या है, जीरो। यहां पुट करेंगे, एम इज इक्वल टू माइनस जीरो से प्लस जीरो, यानी कि एम क्या आ गया, जीरो। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो? कोई ऑर्बिटल आया या नहीं आया? अरे आया ना, उसका नंबर है जीरो, पर एक ही आया ना, एंड जीरो मींस, जीरो मींस एस। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या रख दिया हमने, एस ऑर्बिटल। एंड एस ऑर्बिटल गिनती में कितने हैं, एक। ध्यान दीजिए, गिनती में एक है, वैल्यू जीरो है, यानी कि बड़े सिंपल सी बात है, मेरा हाउस नंबर जीरो है ऐसा लगा लो, या मेरे शहर का नंबर जीरो है। क्लियर? वो हो सकता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जरूरी थोड़ी वन से गिनती स्टार्ट करनी, हमने जीरो से स्टार्ट कर रखी है। यहां वैल्यू जीरो है पर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, एक। समझ आ रही है ये बात, वैल्यू जीरो है, नंबर ऑफ वैल्यूज एक है। फाइन, ध्यान दिया करो, यहां आ जाओ, पी पी सब शेल पे, L इज इक्वल टू है वन, L क्या है, वन। तो M क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M माइनस वन से प्लस वन, क्योंकि ये फॉर्मूला है माइनस L टू प्लस L, कोई दिक्कत? अब माइनस वन से प्लस वन, ये बेसिकली क्या बन गया, माइनस वन जीरो प्लस वन, कितने हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तीन, क्योंकि माइनस वन जीरो और प्लस वन, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, तीन। याद करो पी के ऑर्बिटल कितने आए थे, तीन। क्लियर? ये कितने आए ऑर्बिटल, तीन। क्लियर? डी के लिए निकालो, एल इज इक्वल टू टू, एम इज इक्वल टू माइनस टू से प्लस टू, यानी कि माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, कितने आए, पांच, कितने आए, पांच। तुम समझ पा रहे हो ये क्या है, ऑर्बिटल्स का एड्रेस है। पी ऑर्बिटल का एड्रेस क्या होता है, माइनस वन जीरो प्लस वन, ये तीन नंबर है पी को बताने के, जैसे इंडिया बताने का एक था, ठीक है ना, और पंजाब बताने का 12, बनाला बताने का 17, ऐसे पी बताने का माइनस एक या जीरो या प्लस एक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे डी बताने का माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस एक प्लस दो, कुछ भी आ सकता है। और एस का एड्रेस बताने का तरीका क्या है, जीरो। फाइन, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा, हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि सर ये जीरो ये वाला है या ये वाला है,
अरे भाई, जब तुम किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आ गए हो, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बरनाला जो है ना, वो महाराष्ट्र के अंदर भी एक शहर है। बरनाला महाराष्ट्र के अंदर भी एक शहर है, पर जब तुम पंजाब के अंदर एंटर कर गए हो, तो भाई महाराष्ट्र वाले बरनाला में थोड़ी जाओगे, ऑब्वियसली पंजाब वाले बरनाला में ही आओगे। तो जब ये पक्का हो गया कि L1 में जाना है, तो M तो 0 है। अब तुम M0 ये थोड़ी देख रहे हो, वही वाली बात जो मैंने बोला था, पहले हाउस नंबर 316 देखोगे तो साउथ कोरिया के हाउस नंबर 316 में चले जाओगे। पहले M थोड़ी देखोगे कि मेरे को तो 0 पे जाना है, पहले तो देखोगे L। तो L से डिसाइड हो जाएगा, 0 वाले में जाओगे तो ये 0 होगा, 1 वाले में जाओगे तो ये 0 होगा, 2 वाले में जाओगे तो ये वाला 0 होगा। भाई कौन सी स्टेट के बरनाला में जाना है, ये मायने रखता है कि नहीं रखता? फाइन, अब इसको रेज कर लो जरा। एस आगे गिनती में एक, पी आगे तीन, डी आगे पांच। लो जी, थोड़ा सा मशक्कत करके एफ के लिए भी निकाल लेते हैं। इसका एल वैल्यू होता है 3। एम आ गया -3 से +3, दैट इज -3 -2 -1, 0 +1 +2 +3। फाइन, कोई भी दिक्कत? अच्छा, नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, कल पी वाले क्लियर है, PX PY PZ एंड ये भी क्लियर है। फाइन, 5D के ऑर्बिटल थे। अच्छा, इसमें ऐसा कोई पक्का नहीं है कि किसका कौन सा है भी, DXY को -2 देना है, DYZ को -2 देना है, बस किसी को कोई भी असाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइन, वो इन जनरली कई कई बार क्वेश्चन में आता है कि Z वाले को, जैसे इसमें Z वाले को 0 दे दो एंड इसमें DZ स्क्वायर वाले को 0 दे दो। ये कई कई बार आता है कि Z को हम मेजर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं तो उनको 0 दिया जाता है, ये एक आध बुक में दिया हुआ होता है क्वेश्चन, वैसे इन जनरली दे आर नॉट मच स्पेसिफिक। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? तो ये हो गए हमारे ऑर्बिटल्स डिसाइड, हो गए कि नहीं हुए? देन एक लाइन लिखेंगे यहां पे, एक लाइन लिखेंगे ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। पता है ना, कल भी बताया था, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मात्र 2, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? यहां पे क्वेश्चन बड़ा फेमस है, क्वेश्चन आता था पी ऑर्बिटल के अंदर कितने आ सकते हैं? 2। तो डी में कितने आ सकते हैं? तो डी में भी 2 ही आ सकते हैं ना यार, ऑर्बिटल में तो। हाँ, ये क्वेश्चन आया, अगर पी के सबशेल में कितने आ सकते हैं? सोचो जरा, पी के सबशेल में कितने आ सकते हैं? तो पी के सबशेल में ऑर्बिटल कितने हैं? 3। पी के सबशेल में ऑर्बिटल कितने हैं? 3। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो पी के सबशेल का आंसर आएगा 6। ध्यान रखेंगे, पी का सबशेल पूछा या पी का ऑर्बिटल? सबशेल पूछेंगे तो 6 आएगा, ऑर्बिटल पूछेंगे तो ऑर्बिटल में तो 2 ही आएगा। क्लियर? अच्छा चलो, ये बताओ डी के सबशेल में कितना आएगा, एंड कमेंट सेक्शन में लिख देना कि डी के सबशेल में कितना आएगा। याद रखिए, मैंने डी का सबशेल पूछा है, ऑर्बिटल नहीं पूछा। हम मूव करते हैं इधर, ये लाइन लिख ली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, योर आंसर इज अवेटेड, स्टिल अवेटेड। डी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? कैन आई मूव फर्दर? नेक्स्ट, द फोर्थ क्वांटम नंबर इज, स्पिन क्वांटम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। फाइन, एंड ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। ओरिएंटेशन का मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात ध्यान रखेंगे, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो याद रखिए, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? कोई दिक्कत? एक हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये पता हम क्या कर रहे हैं, हम कि एक कंट्री के अंदर, एक शहर में चले गए या स्टेट में चले गए, स्टेट के अंदर शहर में आ गए, शहर के अंदर हाउस नंबर 316 में आ गए। मेरे घर में 2 ही लोग हो सकते हैं, मैं और मेरी बीवी,
एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक नरम है तो एक गर्म है, ठीक है ना, एक तेज है तो दूसरा नरम है, मैं ही नरम हूँ। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो याद रखिए, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दोनों में से एक आएगा क्लॉकवाइज, एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज। जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक आएगा क्लॉकवाइज एंड एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि एक आएगा प्लस हाफ, दूसरा आएगा माइनस हाफ। एंड इसको हम ये भी लिखते हैं कि इफ दिस इज एन ऑर्बिटल तो एक ऊपर एरो से शो होता है, दूसरा डाउनवर्ड एरो से। दीज आर वेरियस रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम बोल सकते हैं। अच्छा, किसी के दिमाग में, सर एक अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो टक्कर नहीं। अरे भाई, खुद के एक्सिस पे बोल रहा हूँ, खुद के एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, उस चीज की बात कर रहा हूँ। क्लियर? तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देन प्लस हाफ और माइनस हाफ, एंड मतलब एक को प्लस हाफ तो दूसरे को माइनस हाफ, एंड इनको हाफ अपवर्ड एरो एंड हाफ डाउनवर्ड एरो के तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड यहां क्वेश्चनों की भरमार है, यहां क्वेश्चंस की भरमार है। पहला क्वेश्चन, फाइन, विच इज अ चैलेंज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जितने भी चैनल पे लोग देख रहे हैं, इट्स अ चैलेंज क्वेश्चन। जगह जगह पे सर्च करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पूछिए कि बेसिकली सारे मैथमेटिकल नंबर इंटीजर लिए गए हैं, इजंट इट, चाहे वो एन था, चाहे वो एल था, चाहे वो एम था, सारे नंबर, कोई फ्रैक्शनल नहीं आया। इन भाई साहब को क्या चुन मची थी, ये जो फ्रैक्शनल आ गए हैं। एंड चलो मान लिया कि फ्रैक्शनल लेने हैं, फिर यही क्यों लिए? फाइव प्लस हाफ और माइनस चार और 2/4 क्यों नहीं लिए? ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? +3/4 -3/4 क्यों नहीं आया? इट्स अ चैलेंज क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। फाइन, इसको सर्च करना है। एंड सेकंड चीज, मैं एक और इसमें क्लियर कराना चाहता हूँ, काफी ज्यादा बुक्स में लिखा होता है या काफी ज्यादा टीचर भी इसे गलत करा देते हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें कोई एनालॉगी फिक्स नहीं है। कई बार लिखवा देते हैं कि क्लॉकवाइज को ही प्लस हाफ बोला जाता है एंड अपवर्ड एरो को ही क्लॉकवाइज बोला जाता है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, नथिंग इज फिक्स्ड। क्लियर? आप क्लॉकवाइज इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो, क्लॉकवाइज इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। ये प्लस हाफ बोला जा सकता है, माइनस हाफ बोला जा सकता है, ये प्लस हाफ बोला जा सकता है, माइनस हाफ बोला जा सकता है, किसी की कोई एनालॉगी फिक्स नहीं है। ये बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है एंड उसमें आंसर आएगा तो एनालॉगी इज नॉट फिक्स्ड, ये बात याद रखना। बहुत ही जबरदस्त, ये दो क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है जो यहाँ पे मैं हमेशा पूछता हूँ स्पिन में। एक तो आपको दे दिया, एक मैंने खुद सॉल्व कर दिया, दैट इज एनालॉगी इज नॉट फिक्स्ड, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये ऐसे ही नंबर क्यों लिए गए हैं, ये आपको सर्च करना है। क्लियर? कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। सो वी आर डन विद बेसिकली फोर क्वांटम नंबर्स। सो आज के सेक्शन में इतना ही, कल हम बेसिकली यहां से स्टार्ट करेंगे कि एक शेल में दो, दूसरे में आठ, तीसरे में 18 क्यों होते हैं, बिकॉज आज काफी लंबा चला गया लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अभी क्वांटम खत्म नहीं हुआ है, क्वांटम में बहुत कुछ बाकी है। मतलब मेजर चीज इस क्वांटम नंबर्स मैंने एक बार सॉल्व करने सिखा दिया, अभी इलेक्ट्रॉन लोकेट करना अभी भी बाकी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पिंग मी अप, पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ।